सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनीशा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सूरत के माथे भारत सूर्या मराठी को मारने का मामला सामने आया है, जहां सूर्या मराठी के मित्र हार्दिक पटेल द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। तभी सूर्या ने भी हार्दिक पटेल पर हमला किया, दोनों के बीच हाथापाई हुई, वहीं दोनों की मौतें हो गई। हार्दिक पटेल को प्राणनाथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं पता चला कि एक वक्त हार्दिक पटेल और सूर्या मराठी दोनों मित्र हुआ करते थे। दोनों के बीच पुरानी रंजिश के कारण मारपीट हुई थी, जिसके चलते दोनों ने तलवार तथा चाकू से एक दूसरे पर हमला कर दिया। हार्दिक पटेल को जब पता चला कि सूर्या मराठी ऑफिस के अंदर अकेला बैठा है, तभी हार्दिक पटेल तथा अन्य 7 व्यक्तियों ने मिलकर सूर्या मराठी पर हमला कर दिया। सूर्या मराठी थोड़े ही दिनों पहले ही जेल से मनु डाका की हत्या करके बाहर निर्दोष जेल से आया था। थोड़े ही दिनों पहले डाया गैंग के लोगों पर भी मारामारी की गई थी। सूरत के जॉन डीसीबी बीके पांडोर साहब द्वारा बताया गया कि कतारगांव पुलिस इंस्पेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं और अन्य आरोपी जो फरार है उनकी तलाश जारी है। वही मर्डर करने के बाद सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए। आज लगभग पौना एक बजे सूर्या मराठी घरे हार्दिक पटेल नामना ईसमे एना के साथीओ साथ आने एसोल्ट करेलो है। छरी थी सीरियस इंजरी करेली है। अंदर सूर्या मराठीए पण सामे हार्दिक पटेल पर एसोल्ट कर्यो हतो, एटले बंने सामसामे एसोल्ट थयो छे अने गंभीर इजाओ थई छे अने बंने हॉस्पिटल होटलाइज करवामां आवेला। थोड़ी वार पहेला अत्यारे मेसेज मळ्या छे प्रमाणे बंनेना डेथ थई गया छे। पोलीसे आ अंगे गुनो रजिस्टर करी आगळनी कार्यवाही चालू करेल छे। हवे ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એની સ્પષ્ટતા થશે ખરેખર એનું શું કયા કારણોસર આ લોકોને માથાકૂટ થઈ છે। સુરત સે મનોજ વૈષ્ણવ કી એક રિપોર્ટ।